दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। आज फिर एक बीमारी हेपेटोबिलियरी सिस्टम से, यानी लीवर से जुड़े हुए अंगों से, लीवर से, वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम कब पहचानते हैं? जब हमारा आंख पीला होने लगे, पेशाब पीला हो, और जब जॉन्डिस ज्यादा बढ़ जाए तो स्किन यानी चमड़ा भी पीला होने लगे। यही जॉन्डिस है, यानी आंख का पीला होना, पेशाब का पीला होना, और जब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा हो तो चमड़ा का पीला होना, यही जॉन्डिस है। इसको हम इक्टेरस भी बोलते हैं और हिंदी में पीलिया भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लिए हैं जॉन्डिस, ये बेसिकली होने के चार कारण होते हैं। मतलब जॉन्डिस क्यों होता है? एक होता है हिपैटिक और एक होता है एक्स्ट्रा हिपैटिक या प्री हिपैटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा होता है पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक यानी इसमें लीवर का बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसमें हो गया आपको हेमोलिसिस होना, और हिपैटिक यानी आपके लीवर में कुछ गड़बड़ी हुआ तब हुआ। पोस्ट हिपैटिक मतलब लीवर से बाहर कोई गड़बड़ी है जिसके चलते जॉन्डिस हो रहा है, यानी प्री हिपैटिक लीवर से पहले कोई गड़बड़ी है, हिपैटिक यानी लीवर में कोई गड़बड़ी है, और पोस्ट हिपैटिक यानी लीवर के बाद कोई गड़बड़ी है। और ये तीनों गड़बड़ियां चार तरीके से होती हैं। पहला है हीमोलिसिस यानी ब्लड का टूटना, दूसरा है आपको इम्पेयर्ड एक्सक्रीशन यानी बन रहा है लेकिन निकल नहीं रहा है, तीसरा है आपका इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट, बन रहा है लेकिन वो जो उसका मूवमेंट सही होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और चौथा है आपको कोलेस्टेसिस यानी कहीं रुकावट हो रहा है। यही कोलेस्टेसिस जो होता है पोस्ट हिपैटिक कॉज होता है जॉन्डिस का। प्री हिपैटिक कॉज में हेमोलिसिस और हिपैटिक कॉज में हिपैटोसेलुलर डैमेज एंड इम्पेयर ट्रांसपोर्ट एंड इम्पेयर एक्सक्रीशन। तो ये कुल मिला के चार जो है कारण है जिसके चलते जॉन्डिस होता है। हेमोलिटिक जॉन्डिस जो होता है, जिसमें हेमोलिसिस के कारण जॉन्डिस होता है, उसमें बहुत सीरियसनेस की कोई बात नहीं होती, अगर कोई और ऑर्गेनिक कॉज नहीं रहा तो। जैसे मलेरिया में आपको हेमोलिसिस होता है और उसके कारण जॉन्डिस होता है, तो मलेरिया अगर सीरियस इशू है तो मलेरिया को दूर करिएगा, हेमोलिसिस नहीं होगा तो जॉन्डिस भी नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर आप हेमोलिटिक जॉन्डिस की बात करते हैं तो इसमें बिलिरुबिन 7 mg/dL से ज्यादा कभी नहीं होता है, और जब जॉन्डिस तब पता चलता है जब ब्लड में 3 mg/dL से ज्यादा बिलिरुबिन हो। नॉर्मल रेंज बिलिरुबिन का 0.2 से 1.2 mg/dL तक होता है। अब जॉन्डिस में भी बिलिरुबिन दो तरीके से बढ़ता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट यानी कंजुगेटेड, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट मतलब अनकंजुगेटेड, डायरेक्ट मतलब कंजुगेटेड। तो इन दोनों तरीकों का बढ़ने का मैं एक्सप्लेनेशन वर्णन आगे करूंगा। इनडायरेक्ट यानी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन तब बढ़ता है जब हीमोलाइसिस हो। हीमोलिटिक जॉन्डिस में ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन यानी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। ब्लड टूटता है जिसमें हीम रहता है, हीम के टूटने से बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ये प्री हिपैटिक कॉज है। और कंजुगेटेड बिलिरुबिन जब हिपैटोसेलुलर डैमेज हो और कोलेस्टेसिस हो, यानी कहीं रुकावट हो बिलिरुबिन के फ्लो में, तब आपका जो है कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा 10, 20, 25, 30 mg/dL तक भी हो सकती है, परंतु हिमोलिटिक में या अनकंजुगेटेड में अमूमन या सामान्यतः 7 mg/dL से ज्यादा नहीं होता है। तो ये जब जॉन्डिस को हम देखते हैं, कोई डॉक्टर देखता है, तो ये दोनों जो इन्वेस्टिगेशन देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब हम जॉन्डिस के लक्षण की बात करें
तो हिमोलिटिक जॉन्डिस में पीला पेशाब होगा, आपका आंख का कलर पीला होगा, लेकिन लीवर का कोई सीरियस अगर इशू नहीं हो तो हिपैटिक सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, आपके लीवर के सिम्टम्स नहीं मिलेंगे और आपको लीवर में टेंडरनेस नहीं मिलेगा, सो जल्दी रिकवरी होने के चांस रहते हैं। लेकिन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के बढ़ जाने से इतना सीरियस इशू नहीं रहता है, लेकिन कंजुगेटेड बिलिरुबिन यानी डायरेक्ट बिलिरुबिन के बढ़ जाने से जो हेपेटोसेलुलर डैमेज या कहें कि कोलेस्टेसिस बिलिरुबिन के फ्लो में कहीं रुकावट हो, बिलियरी चैनल से लेके बिलियरी डक्ट तक, लीवर से लेके कोसीबीडी तक कहीं अगर रुकावट हो, हेपेटोसेलुलर डैमेज हो, हेपेटाइटिस हो, वायरल हेपेटाइटिस हो, आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो, इसके चलते जब अगर लीवर डैमेज हो तो उसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, इसके चलते जॉन्डिस होता है। तो इस जॉन्डिस में आपको दाहिने साइड में दर्द मिलेगा, वहां पे सूजन टेंडरनेस मिलेगा, अनकंफर्ट फील होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, आपको बुखार होगा, सुस्ती होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग एंड नाउसिया यानी उल्टी करने का मन होगा, ये सब सारे लक्षण होंगे, पीला पेशाब होगा, आंख का कलर पीला होगा, ये सब सारे लक्षण अगर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसको हम लोग कोलेस्टेसिस बोलते हैं में मिलता है। अब हेपेटोसेलुलर डैमेज आपको वायरल हेपेटाइटिस मतलब ए बी सी डी ई किसी कारण से हो सकता है, या अल्कोहलिक लीवर डिजीज के कारण हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कारण हो सकता है, किसी ड्रग्स के कारण हो सकता है, किसी टॉक्सिक के कारण हो सकता है जो लीवर को इफेक्ट कर रहा हो, तो इस कारण से हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कोलेस्टेसिस जो है वो आपको जब भी आप कहीं रुकावट हो, जैसे आपको सीबीडी में स्टोन हो, गॉलब्लैडर में स्टोन हो, सीबीडी में सूजन हो, सीबीडी में के आसपास कहीं कोई ग्रोथ हो, कोई ट्यूमर बन रहा हो जो सीबीडी को कंप्रेस कर रहा हो, तब और कोलेंजाइटिस हो, पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमा हो, लीवर का कार्सिनोमा हो, आप तो ये सब चीजें जब रहेंगी तब आपका बिलिरुबिन के फ्लो में रुकावट होगा, कोलेस्टेसिस होगा तो जॉन्डिस होगा। इसमें विटामिन के की मात्रा जो है वो जो होती है विटामिन के उसकी मात्रा जो होता है देनी पड़ती है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो घट जाता है, ब्लड को जो क्लॉट करने वाली होती है वो घट जाती है। इसमें जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है इसमें एल्केलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाता है, जबकि हेपेटोसेलुलर डैमेज में एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ता है, मुख्यतः एसजीपीटी ज्यादा बढ़ता है। तो ये सब लक्षण आपको देखना होता है और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसको रोल आउट करा सकते हैं। अगर हम इसके इन्वेस्टिगेशन की बात कराएं तो पूरी की पूरी एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट आपको कराना होगा, आपको पूरा सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होगा, यूरिन रूटीन कराना होगा, और रेडियोग्राफिक टेस्ट की बात करें तो अल्ट्रासोनोग्राफी और सीटी स्कैन कराना होगा। अगर वायरल हेपेटाइटिस के कारण जॉन्डिस हुआ है तो उसमें आपको वायरल हेपेटाइटिस का स्क्रीनिंग कराना होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी डी का टेस्ट कराना होगा तो उसका स्क्रीनिंग कराना होगा। और इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है इसके ट्रीटमेंट की, तो अगर हेमोलिटिक जॉन्डिस है और हेमोलाइसिस का आपको कारण पता चल जाता है, कोई मलेरिया, कोई दवाई, कोई पॉइजन, तो उस कारण को दूर करिएगा तो हेमोलिटिक जॉन्डिस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जिसमें कंजुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट अगर वायरल हेपेटाइटिस के कारण हो तो वायरल हेपेटाइटिस को ठीक करना होगा, तब जाके जॉन्डिस ठीक होगा। अल्कोहलिक लीवर डिजीज के कारण होगा तो अल्कोहलिक लीवर में जो भी कॉम्प्लिकेशन है उनको दूर करना होगा, अल्कोहल को विड्रॉ करना होगा, तब जाके ये जॉन्डिस ठीक होंगे। लेकिन अगर जनरल कंसिडरेशन की बात करें, सामान्य अगर चिकित्सा क्या होगी तो वो होगी, सबसे पहले आपको रेस्ट में रहना होगा, जो भी उसके लीडिंग कॉज होगी, अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को छोड़ना होगा, आपको स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ना होगा, पानी ज्यादा पीना होगा, बेड रेस्ट में रहना होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा लेनी होगी। अगर दवाइयों की बात करते हैं तो इर्सोडियोक्सीकोलिक एसिड लिया जाता है, सिलिमेरिन लिया जाता है, आपको लेसिथिन का इंजेक्शन लिया जाता है, एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट लेते हैं, ये सब टैबलेट लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आपको ये सब दवाइयों का यूज
करना होगा। हर्बल ट्रीटमेंट में अगर बातें हैं तो ली 52 आता है, स्टिम्यूली आता है, आइडली फोर्ट आता है, और अगर मदर टिंचर की बात करें तो कार्डियोस मेराइनस क्यू और कालमे क्यू आता है। तो कुल मिला के यही ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट सभी तभी फॉलो किए जाते हैं जब जॉन्डिस का प्रॉपर कारण हमको पता चल जाए। अगर ए है तो रेस्ट करना होगा, आपको जो दवाइयां बताई गई है वो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेना है। बी सी डी ई है तो उसके लिए आपको वायरल स्क्रीनिंग करा के ट्रीटमेंट को देखना होगा। लेकिन कुल मिला के जब भी जॉन्डिस हो तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिजिशियन या जो भी आपके डॉक्टर हो, फैमिली फिजिशियन हो, उनसे दिखा के ही किसी भी दवा का आप प्रयोग करिएगा, क्योंकि जॉन्डिस जो है थोड़ा सीरियस इशू है। इसको ठीक होने में 3 से 6 सप्ताह, यानी 3 सप्ताह जब बढ़ता है तब और 3 सप्ताह जब घटता है तब, कुल मिला के 6 सप्ताह लग जाते हैं और 1 महीना आपको और रेस्ट करना रहता है, तो कुल मिला के 2 महीना तक लग जाता है। तो जब भी ट्रीटमेंट की बात करें तो बिना डॉक्टर से दिखाए आप ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करें, यही मेरा सुझाव है एज ए डॉक्टर। तो जब भी जॉन्डिस की बात हो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और ये वीडियो का माध्यम केवल इसलिए था कि जॉन्डिस के प्रति आपको जागरूक करें, ये ट्रीटमेंट का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।